नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मन्हास। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है, नेशनल हाईवे जो जम्मू से डोडा या किश्तवाड़ को कनेक्ट करने वाला है, यानी मल्होरी के पास एक बस की जोरदार टक्कर जो है कंपनी एप्को कंपनी की गाड़ी है कैंपर उसके साथ लगी है। और इस जोरदार टक्कर में बताया जा रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इन दोनों गाड़ियों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन दोनों गाड़ियों को कितना जोरदार टक्कर लगने से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें जो है ड्राइवर जो कैंपर गाड़ी के थे वो जो है जख्मी है। उनका इलाज के लिए जो है उनको जीएमसी हॉस्पिटल डोडा में भेजा गया है। फिलहाल उनका इलाज जो है जीएमसी डोडा में चल रहा है। जब वहां के पुलिस से मेरी बात हुई, यानी खलेनी चौकी के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि पुलिस वहां पर पहुंची है और इस मामले को देख रही है कि आकर मामला क्या था पूरा और किस तरह से ये भयानक टक्कर जो है इन दोनों गाड़ियों के आपस में लग जाती है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है और ये वीडियो बयां कर रही है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों गाड़ियों के आपस में जोरदार टक्कर लगी है और बस जो है बिल्कुल भरी हुई है। यानी सोचिए, एक बड़ा हादसा टल गया है। और ऐसा होता कि जोरदार टक्कर लगने से अगर गाड़ियां इधर उधर चला जाती तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तमाम चीजें ये देखनी चाहिए जब भी आप नेशनल हाईवे पे चलें या कहीं पर भी अपनी गाड़ी चलाएं तो ध्यान से चलाएं। फिलहाल पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये टक्कर जो है इन दोनों गाड़ियों की लगी है। इस गाड़ी का नंबर मैं आपको बता दूं, जो जेके कंपनी की ये गाड़ी है, आपको कंपनी में काम कर रही थी वहां पर, JK06B1249 इस गाड़ी का नंबर बताया जा रहा है। और जो बस है, यानी जो इस बस की कैंपर गाड़ी से टक्कर लगी है, JK02AA8849 इस बस का नंबर है। अभी फिलहाल पता नहीं है कि किसकी गलती है, बस की गलती है या फिर इस कैंपर गाड़ी की गलती है, कि आखिर वहां पर जो काम कर रहा है इसकी गलती की वजह से वहां पर इनके आपस में टक्कर लगी है या फिर बस की अपनी गलती है, क्योंकि ड्राइवर की अपनी भी स्पीड होती है। ये तमाम चीजें हाईवे पर देखने को मिलती है। फिलहाल पुलिस इस तमाम मामले की छानबीन कर रही है। इसके बाद ये मामला जो है चौकी खलेनी में वहां की पुलिस जो है देख रेख कर रही है। और इसके चलते जो है इसके बाद लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद आप लोगों के घरों में, शायद बहुत सारे इलाकों में लाइट नहीं है और बहुत सारे लोग जो है मैसेज और ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि ज्यादा बर्फबारी होने के कारण जो है लाइट की कटौती हो चुकी है। और आज मौसम थोड़ा सा बदला था, लेकिन आज फिर से दोबारा से बादल जो है वापस आ रहे हैं और इसी के चलते हो सकता है दोबारा से बारिश देखने को मिले। लेकिन लोग काफी परेशान हैं और बहुत सारे लोगों के मोबाइल भी बंद हो चुके हैं और बहुत सारे लोग जो है इस तरह से परेशान है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, तमाम चीजें, और लोग भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि मोबाइल के बिना कोई नहीं रह सकता। ये तमाम चीजें और लोगों को लाइट का एक सहारा बनता है और इस तरह की अपडेट जो है वो कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास कर रहा है कि जल्दी से इन तमाम चीजों से लोगों की जो परेशानियां हैं उनसे उन लोगों को निकाला जाए। फिलहाल अगर आपके एरिया में कोई परेशानी आपको आ रही है या लाइट आपके एरिया में चल रही है, तमाम अपडेट रखिए और किस एरिया में अभी भी लाइट जो है आपके गुल है, क्योंकि जैसे देसा के एरिया में बहुत बर्फबारी होने के बाद वहां पर लाइट लापता हो चुकी है और वहां के लोग जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हमारी लाइट ठीक कर दीजिए ताकि हम लोग जो है सही तरीके से घर में रह सके। फिलहाल देखते रहिए यूं ही जम्मू ट्रिब्यून।